टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसी और टीजीटू के एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ज्यादा दिन क्या आप बात करें, जिनकी अगर 24 जनवरी को एग्जाम है तो उनके लिए बस अब एक दिन ही बाकी रह गया है। आज का दिन यानी 22 तारीख खत्म हो चुकी है, तो अब इन बचे हुए एक दिन में कैसे तैयारी करें और क्या पढ़ें कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आखिरी एक दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बचे हुए एक दिन में कैसे हम लोग सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और कैसे मेन मेन टॉपिक्स आप कौन कौन से पढ़ सकते हैं जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी लास्ट के एक दिन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पर्पज से, तो उस एक दिन को वेस्ट ना करें और उसमें अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें। तो चलिए बात करते हैं कि इस एक दिन में हम लोग कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करें अगर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं लास्ट के एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ज्यादातर लोग अपने नोट्स जो बनाए रहते हैं साल भर उससे रिवाइज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाए, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बस बुक उठाएं और उससे जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सबके फॉर्मूलेस रिवाइज कर लीजिए, और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो मोस्टली पूछे जाते हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है लास्ट के एक दिन में, तो मैं आपसे कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर चैप्टर में आपको लास्ट के जो एक दिन है उसमें आपको जो रिवाइज करना है वो है आपको ट्रांसफार्मर की इक्वेशन, ट्रांसफार्मर के लॉसेस, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर, लैगिंग लीडिंग कैसे होगा, और ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज का बना होता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा जो आपका मोटर है और जनरेटर है उसमें आपको उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, आर्मेचर किस चीज का बना होता है, फील्ड कैसे वहां काम करती है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगता है, उसमें कौन सी चीज क्या इंडिकेट करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग लास्ट डे में इस सब को एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि तो एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट जो हैं ये सब क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगर बेसिक में, तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर पेपर पैटर्न आप लोग का बदला गया तो। तो बेसिक में आप लोग को क्या करना है, बेसिक में सबसे पहले आप लोग को सारे फॉर्मूले जो भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रेजिस्टेंस से लेकर के एलसीआर सर्किट जितने भी हैं, सब आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज करनी है, सारी थ्योरम जो है उसकी कंडीशंस आपको रिवाइज करनी है, ओम्स लॉ क्या होता है, उसके अलावा आपका किरचॉफ लॉ किस किस बेस पे वर्क करता है, ओम्स लॉ एसीडीसी दोनों पर वर्क करता है कि खाली एक ही पे वर्क करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बात करें अगर मैग्नेटिक सर्किट की, तो मैग्नेटिज्म के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, चाहे आपका L वाला फॉर्मूला हो, चाहे दो पैरेलल कंडक्टर जो करीब में रखे जाते हैं तो उसका फील्ड का फॉर्मूला हो, तो सभी फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया तो आप गलत कर सकते हैं। लास्ट के एक दिन में कोई भी आप नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, और अगर आप नॉन टेक पढ़ रहे हैं, अगर आपने सोच लिया है कि टेक हमें आ गया है, तो नॉन टेक में सबसे पहले आप जीए देखिए, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, उसके लिए आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, उसमें आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप वीडियो देख करके भी अपने जीए की नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीए भी आप लोग में इंपॉर्टेंट होता है, जीके और जीएस, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आप लोग का अच्छा होना है क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो आप सभी को गुड लक और अच्छे से आप लोग लास्ट दिन को आप लोग यूज करिए। जिन लोगों का 24 तारीख को है वो घबराए नहीं, 24 तारीख बहुत दूर है, एक दिन है, एक दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में पेपर को पैटर्न को हल करना है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए हम लोग ने एक वीडियो बना दी थी, वो अब अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो आप उसको देख लीजिए।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और पेपर का पैटर्न बदला हुआ कैसे रह सकता है और कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार, कितना स्कोर आप करें कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो आप देख सकते हैं। उसका भी हम लोग ने एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए और सभी लोग यूपीपीसीएल TET2 में सिलेक्शन करवाइए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विजन।